समय से जो है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है नेटवर्क में सबसे इसकी जब शुरुआत हुई, जब हमें आर्मी के जरिए से पता चला, इंफॉर्मेशन आई कि एक लश्कर का टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क नोटिस में आया है जम्मू शहर में, और ये टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को पैसे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस खबर के बुनियाद पर एसओजी जम्मू ने एक शख्स जिसका नाम मुदस्सर फारूक भट्ट है, जो कि डोडा का रहने वाला है, इसको पूछताछ के लिए बुलाया, और पूछताछ के दौरान उसने ये कबूल किया कि वो ऐसे लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क से जुड़ा है। इस शख्स से 19 जुलाई को एक टिफिन बॉक्स रिकवर हुई, इसकी डिस्क्लोजर पे, जिसमें कि 1.5 लाख रुपए 2000 की करेंसी में कंसील्ड तरीके से रखा गया था। फर्दर पूछताछ के दौरान इसने कई और खुलासे किए, और इन खुलासे की बुनियाद पे जम्मू पुलिस ने और साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर से, जिसमें आर्मी और पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल है, हमने 5 और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है तौकीर अहमद भट्ट, ये मौलवी का काम करता है, मौलवियत करता है, आसिफ भट्ट जो कि सरेंडर टेररिस्ट है और एक्स एसपीओ है, खालिद लतीफ भट्ट जो कि कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, गाजी इकबाल जो यहाँ तालाब खटिका का रहने वाला है, और तारिक हुसैन मीर। तो कुल मिला के 6 गिरफ्तारियां हुई, केस एफआईआर नंबर 42 लगा यहां पर। ये सभी एक हारून एलियास खुबैर, जिसका असली नाम मोहम्मद नवीन भट्ट है, जो डोडा का रहने वाला है, इस हारून ने 1997 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी लश्कर-ए-तैयबा के साथ, और ये वापस आया था, डोडा में एक्टिव था, और डोडा में लश्कर के गतिविधियों में शामिल होने के बाद 2006 में ये वापस चला गया था पाकिस्तान एक्सफिल्ट्रेट करके, और तब से ये लश्कर के साथ जुड़ा हुआ है और अब भी वहां पे एक्टिव है। इस हारून ने ये नेटवर्क यहां खड़ा किया हुआ था, जो पिछले 2-3 साल से यहां किसी न किसी तरीके से लश्कर की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इस काम को करने के लिए कंटिन्यूसली इनको पैसे की सप्लाई की जाती थी। अभी तक जितने तथ्य सामने आए हैं उसमें तकरीबन 12.5 लाख रुपए का हमें हवाला आया है, जिसमें कि 3 जरिए से ये पैसे इनको भेजे गए। एक तो अनसस्पेक्टेड लोग जो है, जो विजिटर्स है, जो अपने रिश्तेदारों को विजिट करने जाते हैं वाया अटारी बॉर्डर वीजा के जरिए, और जब ये वापस आते हैं तो वहां लश्कर का कोई टेररिस्ट आता है, आतंकवादी, और इनको कुछ पैकेट हैंडओवर करता है, और इनको ये कहता है कि इन्हें जम्मू ले जाना है, और जम्मू में कोई लश्कर का आदमी आके इनको कलेक्ट कर लेता है, जिनमें इनमें से जो 6 गिरफ्तार है, इनमें से कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कलेक्शन का काम करते थे लश्कर के। नेटवर्क ने पिछले महीने डोडा में एक पाकिस्तानी फ्लैग की होस्टिंग की, जो कि लश्कर के कमांडर के कहने पे हुई थी। वो केस भी जो वहां पे डोडा में रजिस्टर किया गया है, वो भी इसी नेटवर्क के द्वारा किया गया था, और इस नेटवर्क की उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, और इस पे उस केस में भी कार्रवाई की जाएगी।